हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। सो फॉर्म फिल हो चुके हैं, नीट के करेक्शन विंडो भी क्लोज हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं अपन टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स। पहले ऐसा अनुमान था कि लगभग 25 लाख फॉर्म्स के आसपास आए हैं, लेकिन अब जो एग्जैक्ट डेटा है वो अपने पास आया है। कितने फॉर्म आए हैं कैटेगरी वाइज, कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा फॉर्म आए और कौन से कम आए हैं, उसकी आज के सेशन में बात करेंगे। फटाफट से अपन डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज जो रजिस्ट्रेशन हुआ है नीट में उसकी बात करेंगे, और कौन से स्टेट से सबसे अधिक फॉर्म आए और सबसे कम फॉर्म कौन से स्टेट से आए, और क्या रह सकती है एक्चुअल में कट ऑफ नीट यूजी 2024 की, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत सारी जगह पर देखा है मैंने जहां पर बोलते हैं कि साहब हमारे भी इंटरनल सोर्स से जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है नीट के लिए, तो हमारे इंटरनल सोर्स है वहां से हमने ये डेटा लिया है या वहां से लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डेटा आया है ये आपके पास आप जाएंगे तो आपको मिलेगा द इंडियन एक्सप्रेस, जो न्यूज एजेंसी है, जो न्यूज चैनल है, ठीक है, न्यूज पेपर है, उसकी वेबसाइट पर आपको ये डेटा मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की पे रिकॉर्ड 23.1 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर नीट यूजी 2024, 23.81 लाख, ठीक है, 81 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है नीट के लिए। अगर आप 2022 और 23, यहां पर उसके अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा कितने स्टूडेंट्स ने उस टाइम रजिस्ट्रेशन किया था और इस साल बढ़े हैं, तो क्या कट ऑफ पर फर्क रह सकता है, डिफरेंस रह सकता है, उसकी बात करेंगे। तो मेल जो कैंडिडेट है वो यहां पर कम है फीमेल कैंडिडेट से। मेल कैंडिडेट ने कम अप्लाई किया है नीट के लिए, है ना, मजेदार बात ये। मेल कैंडिडेट लगभग आप देखेंगे एग्जैक्ट जो लिखा है 10,18,593, 10,18,593, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 13,63,216 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। थर्ड जेंडर 24, ये तो आपके पास टोटल हो चुका है, ठीक है, जेंडर वाइज। नेक्स्ट ओबीसी नॉन क्रिमिनल एज पर लिस्ट 10,43,084, ठीक है, 10,43,084 ओबीसी नॉन क्रिमिनल है। जनरल कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करेंगे तो 6,43,596 यहां पर है। एससी कैटेगरी 3,52,107। जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक जो जो अपना कैटेगरी है वो यहां पर आएगा 1,88,557, और एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,54,489 जो कैंडिडेट उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो टोटल सबमिटेड एप्लीकेशन विद पेमेंट 23,81,833। अब यहां पर जो 25 लाख की अपन बात कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, ना तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो वैसे वो बाहर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेमेंट नहीं किया उसकी वजह से भी उनको यहाँ पर अपन नंबर नहीं ले रहे उनका, ठीक है, क्योंकि उनको वैसे ही बाहर कर दिया गया। विदाउट पेमेंट तो आप कैसे एग्जाम दोगे, ठीक है। तो 23,81,833, 23,81,833 इतने स्टूडेंट रजिस्टर हुए। मजेदार बात क्या है, मेल कैंडिडेट यहां पर कम है, फीमेल ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं रीजन वाइज, अगर रीजन वाइज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूपी, यूपी से हाईएस्ट नंबर यहां पर जो रजिस्ट्रेशन के हैं वो है 3,39,125 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसके बाद में आता है महाराष्ट्र का नंबर 2,79,904, और उसके बाद में आता है राजस्थान का नंबर 1,96,139, ठीक है। साउथर्न स्टेट की बात करेंगे तो वो तमिलनाडु में 1,55,216, और कर्नाटका में 1,54,210 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। यूपी की बात करते हो लास्ट ईयर, इंटरेस्टिंगली इवन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट लास्ट ईयर, उत्तर प्रदेश हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं यूपी से लास्ट ईयर, उतने ही आपके पास सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई हुए स्टूडेंट वो भी यूपी से ही हुए थे, उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में राजस्थान। अब प्रीवियस ईयर की अगर अपन बात करें तो प्रीवियस ईयर में अगर अपन देखें ये टोटल नंबर, टोटल काउंट वर्सेस स्टेट नेम लिखा है, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो ग्राफ में आपको बताया जा रहा है, ये वाला जो आपको बताया जा रहा है ये अपना यूपी है। देन उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और उसके बाद में आपको मिलेगा ये राजस्थान है सबसे कम में। वैसे इससे अपना एक्चुअल को नहीं पता चलेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश बहुत कम बताया जा रहा है, चंडीगढ़, ठीक है, देहरादून, ये आपके पास लिखा दमन,
देन उसके बाद में लक्षद्वीप, और ये छोटे छोटे जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, ये आउटसाइड की, ये टोटल आपके पास, इससे आप समझ सकते हैं कम का कोई लेना देना नहीं है कि सबसे कम किससे और किससे नहीं हुए। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो वहां पर कट ऑफ भी थोड़ा सा ज्यादा रह सकती है। देन 2022, 2022 और 23 की अगर अपन बात करें तो 2022 में आपके पास रजिस्टर्ड कितने थे, 18,72,000 के समथिंग थे, तो वो 23 में 20 लाख हो गए, 20,87,000, और 24 में कितने हो गए, 23,81,833 स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक, और अब तो वैसे होंगे भी नहीं, ठीक है। तो लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, ज्यादा है जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है, तो घबराने की है, ठीक है। अब बात करें अपन कट ऑफ की, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपियर हो रहे हैं तो क्या कट ऑफ ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, तो कट ऑफ के बारे में देखो, सीधा सा 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ, 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ नीट के लिए। सबसे फर्स्ट पेपर, पेपर का लेवल किस टाइप का रहता है, लेवल ऑफ पेपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा नीट का कट ऑफ। दूसरा आपके पास रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो अपियर स्टूडेंट्स है उनकी बात करेंगे तो वो कितने हैं आपके पास, और जो लास्ट और मेन फैक्टर रहेगा यहां पर वो रहेगा नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स हैं अपने पास। जो तो तीनों फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। पेपर का लेवल अपन को नहीं पता कैसा आएगा, सेम आएगा लास्ट ईयर से, क्योंकि अगर अपन बात करें बायो वालों के लिए फिजिक्स में दिक्कत होती है तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में ऊपर नीचे होता है, कई बार बायो में ऊपर नीचे कर देता है पेपर का लेवल सेट करने में, तो कट ऑफ कम भी रह सकती है ज्यादा भी रह सकती है इसके अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं अगर इस वाले फैक्टर को आप देखेंगे यहां पर, तो कट ऑफ भी ज्यादा रहनी चाहिए। बट नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो अभी कुछ समय पहले ही एनएमसी ने नोटिफिकेशन पब्लिश किया था जिसमें न्यू मेडिकल कॉलेजेस यहां पर आ रही है, और जो सीट से, जो पहले से ऑपरेटेड मेडिकल कॉलेज, उसमें जो सीट से वो भी यहां पर क्या हो रही है, बढ़ाई जा रही है। तो नीट की कट ऑफ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, एक तो नीट का पेपर किस टाइप से है, देन उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए, रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट है वो अलग है और अपियर जो होंगे वो अलग होंगे, और तीसरा रहेगा नंबर ऑफ सीट्स, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीट्स बड़ी है, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़े हैं अगर स्टूडेंट्स बढ़े हैं तब भी, तो आपको इसके बारे में अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कट ऑफ क्या रहेगी और क्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो तीनों ही चीजें हैं वो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है वो क्या है, केवल प्रिपरेशन। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बाकी जितने भी वीडियोस आ रही हैं ये कट ऑफ रहेगी वो कट ऑफ रहेगी, उनको देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कट ऑफ रहेगा सब क्लियर रहेगा, वो आप अकेले के लिए नहीं रहेगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगर कट ऑफ आपके पास ज्यादा जा रही है तो पेपर इजी रह सकता है, कम जा रही है तो पेपर लेवल वो रह सकता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, बाकी बातों में ना आई, और भी किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप अराइजन करियर अकेडमी और नीट फंड लर्निंग सर्च कर सकते हैं, वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।